सो हे गाइस, दिस इज सैम एंड आज का एक और नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में एक बहुत ही कमाल के वेबसाइट के बारे में बात करने वाला हूँ, जो आपको ढेर सारा ट्रैफिक भी लाके देगा एंड आपको बहुत ही अच्छा इधर पे जो है फॉलोअर्स भी मिल सकते हैं अपने वेबसाइट के लिए। एंड साथ ही में इधर से आपको डू फॉलो बैकलिंक मिलेगा, यानी वो आपके SEO में हेल्प भी करेगा एंड आपकी डोमेन की जो अथॉरिटी होगी उसको बढ़ाने में भी आपको हेल्प मिलने वाली है इस वेबसाइट से। तो वीडियो को एकदम क्लियरली देखना, मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। स्पैमिंग बिल्कुल भी मत करो, पूरे हर एक प्रोसीजर को फॉलो करो, ठीक है? तो एकदम सिंपल सा वीडियो रहने वाला है। मैं आपको बताऊं कि आपको ट्रैफिक कैसे जनरेट करना है एंड एकदम जेन्युइन साइट है। आप खुद इस साइट को थोड़ा बहुत जानते होंगे, देखो एकदम मस्त साइट है, अभी मैं इसके बारे में बोलता हूँ, ठीक है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट की कम्युनिटी है, ठीक है? ये माइक्रोसॉफ्ट की कम्युनिटी है, तो मैं एक बार इसको दिखाया था, ठीक है? तो आपको आकर के इसमें अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट की कम्युनिटी में आकर के आपको एक बार अपना अकाउंट बना लेना है एंड उसके बाद इधर पे उसके जितने प्रोडक्ट्स रहते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स रहते हैं, आप उधर पे घुस के उसकी कम्युनिटी में क्वेश्चंस पूछ सकते हो एंड आंसर कर सकते हो। और उन आंसर्स में आप अपना बैकलिंक लगा सकते हो, जहाँ से आपको ट्रैफिक भी आएगा एंड साथ ही में वो आपका डू फॉलो बैकलिंक की तरह काम करेगा। यानी अगर आपने कोई भी नया पोस्ट लिखा है इन सब प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, तो यहाँ से आप अच्छा खासा डू फॉलो बैकलिंक जनरेट कर सकते हो अपनी वेबसाइट के लिए, ठीक है? तो जैसे कि मैं इधर पे स्काइप वाले में चले जाता हूँ, ठीक है? मैं एक बार पूरा दिखा देता हूँ कि काम कैसे करता है, ठीक है? तो अभी हम पूरा एग्जांपल के साथ पूरा एकदम समझ लेते हैं, ठीक है? जैसे कि मैं इधर पे कुछ भी एक ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि ये नया है, ठीक है? तो इधर पे देखो, तो ये अभी अभी, ठीक है, 33 मिनट्स पहले बना है और मार्च 23 को ये डाला गया है, ठीक है? आज ही की डेट में डाला गया है और आप देख सकते हो इसमें अभी 5 लोगों ने ऑलरेडी देख चुका है, यानी लोग आ रहे हैं। और इसमें आपका रीसेंट क्वेश्चंस में ही रहने वाला है, तो आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा जब आप इसमें आंसर करोगे अपने बैकलिंक के साथ। मतलब बहुत ही अच्छा खासा डू फॉलो बैकलिंक का भी काम करेगा ये एंड ट्रैफिक भी ला के देगा। तो आपको ट्रैफिक के लिए इधर पे नीड क्रिएट करनी है। बहुत लोग क्या करते हैं, नीड को समझते नहीं है। इधर बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई हमारा क्वेरा से भी ट्रैफिक नहीं आ पाता, लेकिन आप लोगों को अगर कहीं से भी ट्रैफिक लाना है तो आपको नीड इधर पे क्रिएट करना है। नीड जैसे कि देखो, फॉर एग्जांपल आप इधर पे किसी ऐप के ऊपर लिख रहे हो, तो वो बंदा ऐप के बारे में रिव्यू पढ़ेगा एंड फिर उधर पे उसकी नीड क्या होगी कि अब उसको ऐप डाउनलोड करना है। तब आपने क्या लिंक दिया उसको, डाउनलोड लिंक। तो जब वो डाउनलोड लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो वो आपकी साइट में आ गया, ठीक है? तो इधर पे आपने एक नीड क्रिएट की और आपको ट्रैफिक मिला उस लिंक के द्वारा। तो आपको सेम यहाँ पे भी नीड क्रिएट करनी है। अभी नीड कैसे क्रिएट करोगे, थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ाओ इधर पे। जैसे कि आप थोड़ा बहुत कर सकते हो कि आपको अगर ये इशू फिक्स करना है तो आप थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे इस चीज़ इसको फॉलो करो एंड इस चीज़ को फॉलो करने के बाद आप और 2-3 चीज़ों को भी फॉलो कर सकते हो और उनके बारे में जानने के लिए इधर पे रीड मोर कर लो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इमेजेस के साथ। तो इधर पे मैंने एक नीड क्रिएट कर दी कि भाई मैं इमेजेस के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो रीड मोर कर ले, मेरे वेबसाइट पे आ जाएगा, तो ठीक है? तो आपको सेम ऐसा नीड क्रिएट करना है एंड क्योंकि अभी अभी आप इस कम्युनिटी में आए हो, तो क्या करना कि थोड़े बहुत आंसर्स करना बिना लिंक्स के, ताकि इधर पे मॉडरेटर के सामने आप थोड़े से एक अच्छे बंदे बन जाओ। तो मैं इधर पे रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है? स्काइप फॉर बिजनेस ऑन सैमसंग गैलेक्सी S9 Plus इज़ नॉट वर्किंग, ठीक है? ठीक है, तो मैं इधर पे क्या करूँगा, एक सिंपल सा आंसर डालूंगा एंड उसके बाद वाले जितने मेरे आंसर रहेंगे उन पर मैं लिंक लगाऊंगा, ठीक है? तो इधर पे जैसे कि मैं लिख देता हूँ, इफ, ठीक है, इफ यू आर गेटिंग दिस प्रॉब्लम देन कॉन्टैक्ट स्काइप टीम, ठीक है? तो एकदम सिंपल सा आंसर मैंने कर लिया, ठीक है? तो अभी मैं इधर पे डाल देता हूँ। तो पहले सिंपल सा आंसर कर दो इधर पे एक बार, ठीक है, ताकि आप एक अच्छे बंदे बन जाओ इस कम्युनिटी में, ठीक है? तो ऐसे करके मैंने अपना आंसर इधर पे डाल दिया, ठीक है, रिप्लाई हो गया मेरे इधर पे। अभी मैं अपना रिप्लाई जो इधर पे देख लेता हूँ एक बार, ठीक है? तो ओके, तो मेरे इधर पे रिप्लाई हो चुका है एंड अब आपको क्या करना है, अब जितने भी आप इधर पे आंसर्स करोगे उधर पे आपको काम करना है बैकलिंक का। अभी इधर पे एक बार हम देख लेते हैं कि इधर पे जो भी बैकलिंक बनते हैं वो डू फॉलो होते हैं कि नो फॉलो होते हैं, ठीक है? तो वो चेक करने के लिए मैं अपना माउस बार इधर पे ऑन कर लेता हूँ एंड माउस बार ओपन करने के बाद अभी इधर पे मैं इस वाले टूल में जाता हूँ एंड फॉलोड लिंक्स को क्लिक कर देता हूँ।
आप इधर पे देख सकते हो ये जो लिंक्स है, ठीक है, ये जो लिंक्स है ये पूरी की पूरी फॉलो है, यानी डू फॉलो बैकलिंक आपको मिल रही है, नो फॉलो बिल्कुल नहीं है, तो मतलब अच्छी खासी डू फॉलो बैकलिंक आपको मिल रही है, तो अच्छा खासा ट्रैफिक भी आ रहा है, तो मतलब SEO के लिए बहुत ही सही बैकलिंक्स है। तो अभी क्रिएट करो एंड बहुत ही बड़ी साइट है भाई, माइक्रोसॉफ्ट की बहुत ही बड़ी साइट है, तो अभी बैकलिंक क्रिएट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और अभी पूरा देखो वीडियो को, अभी छोड़ के मत जाओ, आपको आंसर कैसे करना है वो देख के जाओ, ठीक है। तो अभी हम इसको काट देते हैं एंड अभी हम बाहर जाते हैं, थोड़े दूसरे आंसर्स को चेक करके आते हैं, ठीक है। तो हम दूसरे कम्युनिटी में जाएंगे एंड देखेंगे कि थोड़ा बहुत कैसे रिलेटेड होता है चीज़ें, ठीक है। और विंडोज़ के ऊपर तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिखते हैं, तो इसी वाले पे मैं चले जाता हूँ एंड मैं गूगल से कोई भी एक आंसर कॉपी पेस्ट कर दूंगा एंड अपनी पोस्ट तो दिखा नहीं सकता, पर दूसरों की पोस्ट की मैं इधर पे लिंक कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इधर पे देखो, राइट क्लिकिंग फाइल्स इन एक्सप्लोरर कॉजेज एक्सप्लोरर टू हैंग नॉट रिस्पॉन्ड स्लो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ठीक है। तो ये आ गया एंड अभी मेरा फर्स्ट रिप्लाई रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि इधर से ऐसे करके ले लूँगा एंड इधर पे मैं नीड कैसे क्रिएट करूँगा देखूँ। मैं सबसे पहले तो ऐसा कुछ इधर पे डाल दूँगा एंड नीड क्रिएट करने के लिए मैं एक एंटीवायरस दे दूँगा, क्योंकि इस बंदे का थोड़ा हैंग हो रहा है, रेस्पॉन्ड थोड़ा स्लो कर रहा है, तो मैं कह दूँगा कि एंटीवायरस को यूज़ करके देख लो और डाउनलोड लिंक इधर पे है, ठीक। देखा, तो ये मेरा नीड है, तो आपको सेम ऐसे नीड क्रिएट करना है। तो अभी मैं इधर पर जाता हूँ एंड ठीक है, इस बंदे ने लिख रखा है इसके बारे में थोड़ा बहुत, नहीं स्लो होने के बारे में इसने थोड़ा लिखा नहीं है, तो मैं खुद ही से लिख देता हूँ जैसे कि, ठीक है। तो आपको भी अपने से लिख देना है, अगर गूगल पे आपको कोई अच्छा आंसर ना मिले तो मैं इधर पे लिख देता हूँ, इफ़ यू आर गेटिंग दिस प्रॉब्लम देन कॉन्टैक्ट, ठीक है, देन कॉन्टैक्ट। इस प्रोडक्ट का मैं पूरा एक बार देख लेता हूँ, ठीक है, इसको ये एक्सप्लोरर से प्रॉब्लम है, ठीक है, एक्सप्लोरर टीम, इफ़ यू आर गेटिंग दिस प्रॉब्लम देन कॉन्टैक्ट EX Explorer team or use a anti virus or you, ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया and best recommended anti virus is, अभी मैं इधर पे जो अपना एक बैकलिंक बना देता हूँ, तो मैं अपनी पोस्ट तो दिखा नहीं रहा, तो डायरेक्ट किसी और वेबसाइट का ले लेता हूँ, फ्री विंडोज एंटी वायरस डाउनलोड, ठीक है। तो आपको नीड क्रिएट करनी है एंड पॉलिसीज़ को ऐसे फॉलो करना है, मतलब इधर पे अगर मॉडरेटर भी पड़ेगा तो उसको ऐसे लगेगा कि मैं हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपना कुछ भी प्रमोट नहीं कर रहा, ठीक है। तो इधर पे मैं मॉडरेटर से ही बच गया, नीड भी क्रिएट हो गई, ट्रैफिक भी आ गया, डू फॉलो बैकलिंक का भी काम हो गया। तो आपको नीड क्रिएट करनी है, ठीक है, नीड क्रिएट करो ऐसे करके। तो ये मैंने ले लिया, ठीक है, तो अभी मैं इधर पे डाल देता हूँ, ठीक है। आप इधर पे क्या कर सकते हो, अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप एक एंकर टेक्स्ट भी बना सकते हो, क्योंकि एंकर टेक्स्ट का जो डू फॉलो बैकलिंक होता है वो SEO में ज़्यादा अच्छा हेल्प करता है। तो आप एक काम कर सकते हो कि आप एंकर टेक्स्ट बैकलिंक बना लो, ठीक है, एंकर टेक्स्ट बैकलिंक बहुत ही अच्छा काम करता है, नहीं तो आप डायरेक्टली लिंक डाल दो, वो इतना ज़्यादा SEO को इफेक्ट नहीं करता लेकिन हेल्प करता है। अगर आप एंकर टेक्स्ट बनाते हो तो ज़्यादा SEO में हेल्प करता है, ये बहुत लोगों के मन में डाउट होता है, तो मैंने क्लियर कर दिया कि एंकर टेक्स्ट ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो मैंने सबमिट कर दिया एंड इधर पे मैंने एक पोस्ट डाल दी, ठीक है, मैंने नाम तो भी किसी का भी डाल दिया इस अकाउंट को क्रिएट करते टाइम, मुझे नहीं पता किस बंदे का नाम है वो, ठीक है। तो देखो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये देखो फॉलोड डू फॉलो बैकलिंक, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा था, ऐसे ही करके आपको क्रिएट करना है। मैंने 2 मिनट में यहाँ पे एक डू फॉलो बैकलिंक बना लिया,
पूरा पॉलिसीज़ को एकदम फॉलो किया है, तो आपको सेम यही प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको और भी कुछ जानना है तो आप कमेंट में मेरे को कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, एंड इस वीडियो को लाइक कर दो अगर पसंद आया हो तो। एंड ऐसे ही डू फॉलो बैकलिंक्स के बारे में जानने के लिए, ट्रैफिक वाले वेबसाइट्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लेके आते रहता हूँ जिनमें मैं बहुत सारी वेबसाइट्स की बात करता हूँ जो आपको हेल्प करने वाली है। अगर आप एक नए ब्लॉगर हो, अगर आप थोड़ा इनकम करना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट करके कोई भी एक क्वेश्चन पूछ लो। वीडियो को लाइक करो एंड दूसरी वीडियो का वेट करो। मिलता है एक और नई वीडियो के साथ, तब तक लिए एक छोटा सा ब्रेक।